पाकिस्तान आर्मी का देवसाई स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुसाफिर दो गाड़ियों में देवसाई स्कर्दू जा रहे थे कि शदीद बर्फबारी के बायस रास्ते में फंस गए। मुसाफिरों के अहले खाना और इलाके के लोगों ने पाक आर्मी से मदद की अपील की। पाक आर्मी ने अपील पर फौरन हवाई और ज़मीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसी पर बात करेंगे, ज़फ़र हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़फ़र हाशमी, ऑपरेशन बारे आगाह कीजिएगा। जी, ये पाकिस्तान आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन था जो देवसाई स्कर्दू में जो है वो किया गया। 14 नवंबर को जो है वो 15 के करीब मुसाफिर दो गाड़ियों में गुलतरी से बदरिया देवसाई स्कर्दू जा रहे थे कि शदीद बर्फबारी की वजह से मुसाफिर देवसाई में फंस गए और मुसाफिरों ने उनका जो ज़मीनी रबता है वो मुनकता हो गया। मुसाफिरों के अहल खाना और इलाके के लोगों ने पाक आर्मी से इस लोगों के रेस्क्यू के लिए अपील की और पाक आर्मी ने अपील पर फौरन हवाई और ज़मीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और पाक आर्मी के जवानों ने पर मुश्तमिल जॉइंट टीम जो है वो मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए पैदल रवाना हुई है। पाक फौज की टीम्स देवसाई में फंसे इन मुसाफिरों को जो है वो अब रेस्क्यू करेंगी और पाक फौज के दो हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनमें हिस्सा ले रहे हैं। मौसम की खराबी है और शदीद बर्फबारी के बायस हवाई ऑपरेशन जो है उसमें मुश्किल का सामना है। तमाम पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में हमेशा जो है वो जैसे हमेशा की तरह अपने लोगों के साथ खड़ी है और इन जो फंसे मुसाफिर हैं इनको निकालने के हवाले से जो ऑपरेशन है उसमें भी जो है वो पाक फौज भरपूर किरदार अदा कर रही है। सही, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। ज़फ़र हाशमी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।